नमस्ते पीपल, दिस इज दैट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने का सोचते हैं तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द कंट्री नीड वीजा। अब वीजा अप्लाई करने के लिए, खासकर अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं, तो आपको काफी परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपको उनके ऑफिस जाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन है तो अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब इन शॉर्ट कि वीजा के लिए आपको काफी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और थोड़ा टाइम भी लगता है। बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे वीजा लेना किसी दुकान पे फोन लेने से भी ज्यादा आसान है। आप वहां पे जाएंगे, आपको वीजा मिल जाएगा आपके इंडियन पासपोर्ट के ऊपर। पहली जो कंट्री है उसका नाम है जॉर्डन, और जॉर्डन में अगर आप इंडियन है तो आपको मिलेगा ऑन अराइवल वीजा, और इस वीजा की ड्यूरेशन होगी 2 हफ्तों की। अब इन 2 हफ्तों में आप यहाँ के हिस्टोरिकल साइट्स देख सकते हैं, जैसे कि पेट्रा, यहाँ के एशियन मॉस्क देख सकते हैं, टेम्पल्स देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप जॉर्डन में हैं तो यहाँ पर हाइक करना एंड स्कूबा डाइविंग करना ना भूलें। और हाँ, यहाँ पे जो सबसे मशहूर चीज है करने के लिए वो है एक्साइटिंग एक्टिविटीज करना डेड सी के पास में। अगर आपको मेजर माउंटेन्स पसंद है, नेचर पसंद है, वाइल्ड लाइफ पसंद है, तो आपके लिए जो सबसे अच्छी कंट्री होगी घूमने के लिए वो होगी केनिया। केनिया में आपको वीजा मिल सकता है ऑन अराइवल, और इसकी ड्यूरेशन होगी बहुत लंबी, 3 महीने तक यहाँ पे आप रुक सकते हैं वीजा ऑन अराइवल पे। नंबर पे हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल। नेपाल जाने के लिए आपको इतने पैसे खर्च करने भी नहीं पड़ेंगे, भले आप फ्लाइट से जाएं या बस से जाएं। आप यहाँ पे पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं, और आपको किसी भी टाइप का वीजा लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा ले जाने की जरूरत पड़ेगी। आप बस यहाँ पर जाइए, घूमिए, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट कीजिए और मजे कीजिए। साउथ ईस्ट एशिया की एक ऐसी कंट्री जहाँ की नेचुरल ब्यूटी सबसे अलग है, उसके आसपास की नेबरिंग कंट्री से काफी अलग। इस कंट्री का नाम है लाओस, और लाओस में आपको वीजा मिलेगा ऑन अराइवल 30 दिन के लिए। यहां तक पहुंचने के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं एटलीस्ट 30,000 तक में, और ये फ्लाइट लेने के लिए आपको 5 से 6 महीने पहले प्लानिंग करनी होगी, जो कि काफ़ी अच्छी प्लानिंग हो सकती है अगर आप अच्छे से प्लान करें तो। यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप मेरा फुल वीडियो देख सकते हैं लाओस के ऊपर। अगर आप हनीमून का प्लान करें एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोगों, आपको प्राइवेसी मिले और आपके पास एक अच्छा बजट भी है, तो आपके लिए सबसे अच्छी डेस्टिनेशन रहेगी घूमने के लिए, उस जगह का नाम है मालदीव्स। मालदीव्स में आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, और ये अराइवल ऑन वीज़ा की ड्यूरेशन 3 मंथ तक की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 3 मंथ तक तो क्या हनीमून करोगे, बोर हो जाओगे, बट फिर भी यहाँ देखने के लिए, करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें। मालदीव्स के ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। 6th नंबर पर जो कंट्री है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडियंस जाते हैं, इस कंट्री का नाम है थाईलैंड, और यहाँ पर आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 2,000 baht। इस अराइवल ऑन वीज़ा की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 15 डेज। 15 डेज में आप काफ़ी सारे थाईलैंड घूम सकते हैं, स्पेशली बैंकॉक, पटाया एंड क्रैबी आइलैंड। अगर आपके बजट से मालदीव्स बाहर है, आपको ऐसा लगता है कि मालदीव्स थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, तो आप मॉरिशियस को आपकी डेस्टिनेशन के लिए चूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वीजा लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बट एज ए इंडियन आपको यहाँ पे जो ड्यूरेशन मिलेगी रुकने के लिए वो होगी 60 डेज, जो आई थिंक इज इनफ द फैमिली के साथ जाने के लिए, हनीमून के लिए जाने के लिए, फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए मॉरिशियस काफी अच्छी डेस्टिनेशन होगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए बाली को, जावा आइलैंड, जकार्ता, बेकासी एंड अदर स्टनिंग डेस्टिनेशन, देन यू आर इन लक, बिकॉज इंडोनेशिया में आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा 30 दिनों के लिए। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा प्लान है तो प्लीज प्लान कीजिए, क्योंकि इंडोनेशिया घूमने के लिए काफी खूबसूरत कंट्री है। अगर आप एक कुछ ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हैं जहां पे आप शॉपिंग कर पाए, नाइट लाइफ जहाँ की काफी खूबसूरत हो, तो देखने के लिए काफी सारी चीजें हो, और हाँ, दुनिया के सबसे महंगी सिटीज में से एक हो, तो आप हांगकांग जा सकते हैं, जहां पे जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इंडियन होने के मुताबिक आपको वहां पे सिर्फ 14 दिन का स्टे मिलेगा। तो 14 दिन में आप हांगकांग जो आपको जो घूमना है वो घूम सकते हैं, वहां का डिज्नीलैंड देख सकते हैं, विक्टोरिया पीक देख सकते हैं, नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। हांगकांग में देखने के लिए काफी सारी चीजें हैं। तो ये थी कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे एज ए इंडियन वीजा लेना काफी आसान है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी भी ऐसी कंट्रीज जाने के लिए जहाँ पे आपको वीजा का झंझट ना हो, तो प्लीज इस कंट्री को एक बार अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए, सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।